टोक सहारन मंडित बहुत दिन का एक बहुत ही मशहूर और मरूफ गांव है, जो रसूल से सड़क निकलती है चेलियां वाला से चक नंबर एक स्टेशन से होती हुई सहारन मराड़ा हेलना फालिये से होती हुई किसी ज़माने में कादराबाद जाती थी, क्योंकि कादराबाद एक बहुत बड़ा संती और शहर भी था और मरकज़ भी था। तमाम मंडी बहुत दिन में तमाम सड़कों पुरानियों के रुख कादराबाद की तरफ है, इसलिए ये सड़क भी कादराबाद जाती थी। मौजूदा जगह सहारन कोई किसी बरादरी का गांव नहीं है, ये कारोबारी मरकज़ था। यहाँ पर उस वक़्त के बादशाहों ने अमलदारों ने एक कुआं लगाया और बरगद के दरख्त लगाए, साथ में एक सराय बनाई। सराय से सहारा से इसका नाम सहारन पड़ा। जमीन के लिहाज से ये टोटल इतना बड़ा गांव था, आज तो इसकी आबादी बहुत माइग्रेट कर गई है, मगर ज़मीन के लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ 12 मरबे रकबा रखता है, जिसमें से साई उज्जैन भट्टी और जो हिंदू वगैरह थे उनकी छोड़ी हुई ज़मीनें राई और गुजरों के पास हैं। ज़मीन के लिहाज से सिर्फ 12 मरबे रकबा है इसका, बाकी सहारा से इसका नाम सहारन पड़ा है। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ा मरकज़ था, यहाँ बड़े बड़े शाहूकार, यहाँ बड़े बड़े दुशाले और धर्मशाले और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई थी, और हिंदुओं की अमलदारी का ये गांव था। सहारा से सहारन ढोक सहारन पड़ा है, क्योंकि इस इलाके में गांव के साथ ढोक रखना ढोक लिखना एक रिवाज था, इसलिए ढोक काश्यप कलान ढोक काश्यप खुर्द ढोक सहारन ढोक जौड़ी ढोक दौद ढोक शाणी ये तकरीबन सारे गांवों के साथ ढोक आया था, इसलिए इसके साथ भी ढोक आ गया। बुनियादी तौर पर यह किसी बरादरी का गांव नहीं है और ये कारोबारी मरकज़ था। यहाँ पर उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो लोग दूर दूर से यहाँ सराय थी और तलीम का भी एक बहुत अच्छा इंतज़ाम था, यहाँ धर्मशाला थी और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ। तो आज ये गांव इस सड़क पे तकरीबन वो अपनी अहमियत नहीं रखता जो इसकी शुरू में या आज से 100-125 साल पहले थी। आज यहाँ कोई ऐसा मरकज़ नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, मगर अब तो हालात ही और हो गए हैं, इसलिए इसका नाम वजह तस्मिया ये है कि यहाँ बरकत का दरख्त सराय और कुआं लगवाया गया था आने जाने के लिए, जो काफ़िले और कानवाई यहाँ से गुजरते थे रसूल से। रसूल एक ज़माने में गवर्नर आसिफ जाह जो अकबर आज़म का गवर्नर था, उस ज़माने में ये मिर्ज़ा बरादरी की अमलदारी में आया, उससे पहले इसका नाम राम था जो हिंदुओं की अमलदारी में था। इसी ज़माने में कादराबाद भी कादर खान भी मिर्ज़ा था, उसको भी गवर्नर आसिफ जाह ने यहाँ तप्पेदार मुकर्रर करके भेजा। रसूल वाले मिर्ज़े भी तप्पेदार मुकर्रर होकर यहाँ आए थे। तो यहाँ से ये लोग जो तजारत होती थी वो इसी रास्ते से चेलियाँ वाला सहारन हेलना मराड़ा हेलना फाली ऐसे होती हुई कादराबाद जाती हुई, ये कारोबारी सड़क पे एक अहम सराय थी और गुजरगाह थी, सहारन से इसका नाम सहारा पड़ा है। ये किसी एक बरादरी का ये गाँव नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये सहारन साई था सहारन ये था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ढोक काश्यप जो गांव है वो भी तारीख में लिखा है कि मोराड़ियों के साथ बड़ाचों के साथ साइयों ने कुछ साज बाज करके इस टिब्बे की कब्जा किया था। आज तक भी वो अपनी बात जेन में रखते हैं, मोराड़े के बड़ैच साइयों के साथ रिश्तेदारी या लेन देन नहीं करते। तो ये साइयों का गांव नहीं है, ना ही जौड़ी साइयों का है, ना ही दौद साइयों का है, ना ही ढोकशानी साइयों का है, ये एक गुजरगाह है, सहारा की वजह से इसका नाम सहारन पड़ा है।
भी नहीं आया करती, उसकी खुशबू भी अकेली नहीं आया करती। हम तो आंसू हैं, हमें खाक में मिल जाना है, मैयतों के लिए डोली नहीं आया करती। बिस्तरे हिजर पे सोया नहीं जाता अक्सर, नींद आती तो है गहरी नहीं आया करती। अललेलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करती। सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। इश्क करते हो तो आलूदे शिकवा क्यों हो, शहद के लहजे में तलखी नहीं आया करती। मौत ने याद किया है कि मुजफ्फर उसने अपनी मर्जी से तो हिचकी नहीं आया वाले रात तुरया, मैं तुरया बड़ा ना मैं तू जावे ना।